शुक्रिया माइकल मेरे भाई, इन सब की क्या जरूरत थी। क्या डगन बॉस, यही तो हमारा बड़प्पन है। नए कार की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया मेरे भाई माइकल। माइकल, हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी मेरे भाई। छोटे वारिस, दिक्कत मत लो, मैं आज ही लिबर्टी सिटी माफिया से बात करता हूँ। माइकल, जो भी करना है जल्दी करो, टाइम नहीं है। अगर तुमने जल्दी से जल्दी बम नहीं बनाया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सर, हमें थोड़ा समय चाहिए, हम ट्राई कर रहे हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे डॉक्टर। क्या मेरी बात लिबर्टी सिटी के माफिया से हो रही है? बॉस अभी बिजी है, मैं उनका बॉडीगार्ड बोल रहा हूँ। लिबर्टी सिटी माफिया को बोलो कि जल्दी से लॉस सैंटोस में सबसे खतरनाक वाली AI सिक्योरिटी भेजें। जी माइकल सर, अभी बोलता हूँ। तो यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब लोग, होप करता हूँ सब मजे में होंगे। एक और GTA 5 की ब्रांड वीडियो में आप सब लोग का माइकल डिसेंटा स्वागत करता है। तो गाइस, पीछे आप सब लोग देख सकते हो, काफी खतरनाक वाली सिक्योरिटी हम लेके आ चुके हैं अपने घर के लिए, क्योंकि मेरी जान को काफी ज्यादा खतरा इन दिनों में। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, पंगे मेरे कितने ज्यादा हो रखे हैं अन्ना से, वाटर माफिया से। तो भाई, अंडरवाटर जो माफिया है भाई, मेरी जान के पीछे तुला पड़ा है। भैंस की डेंट, उसकी तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा भीड़ लोगों, जिससे उससे छुटकारा पा सके और उसको निपटा सके। तो वो सब चीज़ें देखते हुए भाई, सिक्योरिटी हमने काफ़ी ज़्यादा टाइट करवा दी है। यहाँ पे देख सकते हो, क्या बात है, क्या बात है। बाकी आप सब लोगों को इधर की साइड दिखाऊं तो भाई, अपनी सिक्योरिटी देखो, भैंस की डेंट भाई, क्या खतरनाक लिबर्टी सिटी माफिया ने हमारे लिए सिक्योरिटी भेजी है, कितनी प्यारी लग रही है। चलो आपको एक सिक्योरिटी टूर देते हैं जो हमने इधर की साइड से रखा। पहले बाहर की साइड देख लो, कोई सिस्टम खुदा पानी तो नहीं है? चलो कोई भी नहीं है। तो गाइस, एंटर यहाँ से होते हैं। तो भाई, एंटर में यहाँ पे पहले गार्ड्स वगैरह मेरे पूछते हैं कौन है, किससे मिलने आए। बाकी यहाँ से पहले गेट ही नहीं खुलता सेंसर से, तो सेंसर वगैरह डिटेक्ट होते हैं इनके थ्रू। देख सकते हो लाइट वगैरह में, देखो अंदर की साइड सेंसर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना गोल गोल। तो इधर की साइड से सेंटर डिटेक्ट कर लेता है पूरी चीज़ें। और भाई, कैमरा वगैरह भी लगा हुआ है यहीं पे। और बाकी भाई साहब, इधर की साइड देखे तो छोटे वाले गेट को भी हमने भाई साहब अभी तो खोल दिया, क्योंकि सिक्योरिटी हमारी आ चुकी है। जैसा कि आपको पता है, पहले किंग कोबरा वाली सिक्योरिटी इधर की साइड रहती थी, पर उसकी ऐसी तैसी कर दी हमने। और फिर अब इधर की साइड देख सकते हो, यहाँ पे हमारा गेट खोल दिया है और इधर की साइड भी सिक्योरिटी खड़ी। और यहाँ पे भी देखो, नंबर जो अपना सेंसर है ना, इधर की साइड भी लगा, और लॉक वगैरह भी कर सकते हैं हम इस डोर को, जो वहाँ पे पासकोड लिखा हुआ है। सारी चीज़ें आप सब लोग को दिख रही होगी। तो ये वाले डोर पे भी हमने सिक्योरिटी वगैरह खड़ी कर दी गई है। और भाई, आगे की साइड देखे, इधर की साइड देखो, तो यहाँ पे भी अपनी सिक्योरिटी खड़ी हुई है। तो यहाँ से एंटर होते हैं अपने जो पुराने वाले घर में, जो ये मेरा मैंशन है काफ़ी तगड़े वाला। तो भाई, यहाँ पे देखो बाहर की साइड सिक्योरिटी खड़ी हुई है, और यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए अंदर बिठा बंदा बिठा रखा है। अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो भाई, सीधा यहाँ पे आके टैंक लग जाएगा, और टैंक के बाद यहाँ से हिल भी नहीं सकता वो टैंक। एक बार उसको भाई यहाँ पे फ्रीज कर दिया। दूसरे वाले टायरों पे ये चेन है ना, चेन को ऊपर करके जो नीचे वाले टायर आपको दिख रहे होंगे उन पे खड़ा कर दिया, तो ये हिलेगा भी नहीं। बेशक यहाँ पे कूद आ जाए, कितनी टक्कर मार ले, कुछ भी कर ले। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये वाली चीज़ है। और दो टैंक वगैरह तो हमने अपनी सेफ्टी के लिए मंगवा ही लिए हैं, क्योंकि भाई साहब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है। और ऊपर की साइड दिखाऊँ, एक मिनट रुको गाइस, मेरा पैर थोड़ा फिसल गया यहाँ से। तो एक बार आपको ऊपर वाली सिक्योरिटी भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ से देखो, ऊपर वाली सिक्योरिटी देखो भाई, क्या खतरनाक मंजर लग रहा है। रेड कलर की सिक्योरिटी एक तो दूर से स्पॉट हो रही है, और ऊपर की साइड भी हमने थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। काफ़ी ज़बरदस्त वाली भाई यहाँ पे सिक्योरिटी हम लेके आ चुके हैं। काफ़ी खतरनाक चीज़ें तो हम कर ही रहे हैं आप सब लोगों के सामने। बाकी गाइस, जो कवर लेने के लिए कुछ नई जगह बनानी पड़ेगी, हमें कुछ बेस वगैरह पे लाना पड़ेगा। तो इधर की साइड हम कुछ चीज़ें रखने वाले हैं, जिसके बाद भाई कवर में लेके भी अगर फायरिंग वगैरह होती है
तो सारी चीज हो पाए यहाँ पे, समझ रहे हो, कवर ले सके हमारी सिक्योरिटी। बाकी इधर की साइड अभी गेट वगैरह तो खोल रखा है क्योंकि मैं यहाँ पे टूर दे रहा हूँ आपको सिक्योरिटी की। और सामने की साइड आपको एक गाड़ी दिख रही होगी जो रॉयल फैमिली के छोटे वारिस ने मेरे को कुछ टाइम के लिए दी है, और उन्होंने कहा है कि भाई माइकल तू इसी गाड़ी में घूमेगा, ये है जी वैगन बुलेट प्रूफ वाली। तो कितनी खतरनाक मॉडिफाइड करवा रखी है, तो भाई तीन तीन एग्जॉस्ट, अगर दिक्कत हो ना एक एग्जॉस्ट फेल हो तो भाई दूसरा, और भागने के लिए भी भाई वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। और पीछे की साइड आप लाइटों पे भी देख सकते हो कैसे ग्रिल वगैरह लगी हुई है, ये वाली ग्रिल देखो कि लाइट वगैरह भी फोड़ ना पाए ऐरा गहरा इंसान तो। और बाकी भाई इधर की साइड काफ़ी खतरनाक चीज़ें हो रखी है। बाकी गाइस काफ़ी जल्दी हम हमारे फैमिली को भी बुलाने वाले हैं, एक बार अगर अंडर वाटर माफिया वाला और अन्ना वाला मैटर सोल्व हो जाए तो फिर भाई मैं फाइनली अपनी फैमिली को इधर की साइड अपने घर में ला सकता हूँ। बाकी घर का आपको टूर दूँ तो भाई काफ़ी प्यारा घर है मेरा, काफ़ी छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा, बाकी देख सकते हो तो कितना प्यारा इंटीरियर करा रखा। और भाई जब मेरी फैमिली आएगी ना उससे पहले मैं इस घर का इंटीरियर भी चेंज करवाना चाहूँगा क्योंकि उनको भी एक सरप्राइज देना चाहता हूँ कि काफ़ी खतरनाक वाली चीज़ों की। बाकी ताजमहल वगैरह की फोटो लगी हुई है इंडिया से जो लेके आया था जिमी, उसने कलेक्शन काफ़ी तगड़ा बना रखा। और आर्ट एंड गैलरी जो डगन भाई का घर है उधर से भी मैं कुछ पेंटिंग्स जैसे कि ये वाली और ये और कुछ लॉस सैंटोस की पेंटिंग मैं खरीद के लाया हूँ जो आप सब लोगों को दिखाने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। देख सकते हो भाई काफ़ी खतरनाक खतरनाक चीज़ें लगी हुई है पेंटिंग्स वगैरह ताजमहल वगैरह की। तो ये वाली देखो डगन के वहाँ से खरीद के लाया हूँ मैं, काफ़ी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स है और काफ़ी ज़बरदस्त है। और बाकी भाई जिमी का घर देख सकते हो मतलब काफ़ी खाली खाली हो रखा है, और जिमी का कमरा भी देख सकते हो काफी खाली खाली हो रखा है देख सकते हो। ओ नो भाई अंधेरा सा ही कर रखा है क्योंकि मैं भी काफी टाइम बाद आया हूँ इधर की साइड, भाई पूरे जाले वगैरह लगे हुए रूम वगैरह में। और बाकी मेरे रूम का क्या हाल है एक बार मैं वो भी देख लेता हूँ। तो भाई अभी तक हमारा बेड तो नहीं आया, बेड काफी जल्दी लेके आएंगे। इधर की साइड लॉक करना, चलो सारी चीज़ें विंडो वगैरह तो मैं लॉक करके गया तो कोई चोर वगैरह नहीं घुस सकता, चलो बढ़िया चीज़ है। अब यार कुछ भी नहीं कर सकते अभी तो भाई, ये देख सकते हो मैं अपनी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा कुछ मिस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो भाई देख सकते हो जिमी इधर की साइड और मेरा पुराना ओल्ड लुक देख सकते हो, ट्रेसी मेरी बेटी और अमांडा मेरी बीवी, तो भाई काफ़ी खतरनाक याद है मेरी। इधर की साइड भी देखे तो मैंने अपने बेटा बेटी की फोटो लगा रखी है, देखो ट्रेसी ये रही, ट्रेसी इसका नाम है और ये है माइकल का पुत्र, एक शेर पुत्र जिसका नाम है जिमी डिसेंटा। बाकी कोई दिक्कत नहीं आई, ट्रेसी का कमरा दिखाऊं तो ट्रेसी का कमरा देख सकते हो यहाँ पे कितनी प्यारी धूप आती है भाई, यहाँ पे देखो भाई हेवन वाली फीलिंग आती है। इस लड़की ने देखो कितनी मजेदार बना रखा था अपना कमरा। और बाकी इसके भाई सारे सामान वगैरह मैंने समेट के सही जगह रख दिए क्योंकि भाई आज मैं अपनी बेटी ट्रेसी को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था, तो काफ़ी जल्दी भाई मेरे को अपनी फैमिली बुलानी पड़ेगी क्योंकि मैं बहुत अकेला हो चुका हूँ। और गाइस काफ़ी ज़्यादा मुझे उनकी याद भी आ रही है, पर कोई दिक्कत नहीं है अभी उन्हें क्यों नहीं मंगा सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीन चल रहे मेरे लॉस सैंटोस में, आप सब लोगों ने देखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं गाइस। अभी हमें निकलना है गाड़ी की डिलीवरी कराने के लिए शोरूम के लिए उधर की साइड, तो भाई उधर की साइड मैं निकल रहा हूँ क्योंकि भाई काफ़ी देर से मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि सर एक स्पेशल गेस्ट आए हैं उनसे आप मिल लो। तो गाइस ये घर की साइड से मैं निकल चुका हूं काफी खतरनाक वाली डिलीवरी करवाने, और चारों तरफ आप देख सकते हो सिक्योरिटी सिक्योरिटी हो रही है। और गेट खोल दे भाई चच्चा नेहरू अब तो, अरे खोल दे ससुरे, अरे सेंसर काम नहीं कर रहे क्या भाई, इसके सेंसर में यार थोड़ी दिक्कत सी आ रही, पर काफी जल्दी हम इसको फिक्स कराएंगे। और बाकी घर का ध्यान रखना और गेट बंद कर देना। बाकी सामने की साइड से देख सकते हो नकली जी वैगन आ चुकी है, पर अपनी तो असली है भिड़ दो। और भाई लाइट है देखो इसकी क्या जबरदस्त लाइट है पीछे वाली, भाई अगर हम रात के टाइम पे चलाएं ना तो काफी खतरनाक लुक्स है इस गाड़ी के। और बाकी इंटीरियर दिखाऊं आपको इस गाड़ी का, देख सकते हो अलग है, जो हमने पिछली जो एपिसोड में आपने जी वैगन देखी थी उसका स्पीडोमीटर कुछ अलग था, इसका स्पीडोमीटर देखो कितना प्यारा है भाई, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। और बाकी स्टीरियो वगैरह भी काफ़ी स्मूथिंग है इस वाली गाड़ी में, देख सकते हो इधर की साइड से हम निकल रहे हैं, पीछे की जो लाइट है ये दिख 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 वाली क्या बात है, एक नंबर लग रही है गाइस। बाकी मेरे दिमाग में एक काफ़ी खतरनाक आइडिया दौड़ रहा है जो मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, और वो आइडिया ये कि देखो हमारे पास गाड़ियों का एक शोरूम हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ एक बाइक का भी हमें एक नया शोरूम खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, उसके लिए आप सब लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके लिए आप सब लोगों को कमेंट करना पड़ेगा कि माइकल डिसेंटा को एक बाइक शोरूम भी खोलना चाहिए, और उसमें भाई कोई भी मतलब कि पार्टनरशिप नहीं रहेगी, अपना पर्सनल बिजनेस टाइप में खोलना चाहता हूँ वो चीज़, तो उसके लिए आप सब लोगों को हेल्प करनी पड़ेगी। उसमें हम R15 जैसे और निंजा S2R, ZX10R और 1000RR, BMW जैसी बाइक्स हम उसमें रखने वाले हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त लगी मेरे हिसाब से, तो कि आप सब लोगों को इस चीज़ में हेल्प करनी चाहिए मेरी। और अभी मैं निकल चुका हूँ शोरूम के लिए, शोरूम पे जाके मेरे को एक काफ़ी खतरनाक वाली डिलीवरी करवानी है भाई साहब, डिलीवरी बोले तो हॉस्पिटल वाली डिलीवरी नहीं भी लोगों को, जाके हमें गाड़ी की डिलीवरी करवानी है। और वहाँ पे भाई काफ़ी खतरनाक एक गेस्ट आ रखे थे, तो उनसे
मिलने भी हमें जाना है कि भैंस की टेंट ऐसा खून आ गया कि सिस्टम सोदा पानी सेट करना पड़ेगा उसके साथ भी जाके। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हम इधर की साइड से निकल रहे हैं और भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है भिड़ो को। उसके बाद हमें मलिबो मैंशन के वहाँ पर जाना है जहाँ पर रॉयल फैमिली के छोटे वारिस ने मेरे को एक काफ़ी डेंजर काम के लिए बुलाया है, जो आपसे लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि आज कितना भयंकर सीन होने वाला है शहर में, जिसको देख के आप भी कहोगे भाई अभी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी ससुरी गाड़ी। फिर एकदम से इतना पिकअप पकड़ती है ना, ये देखो पिकअप कैसे पकड़ती है भैंस की टेंट। एक तो भाई अंदर से बैठ गई छुट्टे भर की लगती है, वो जीटी रोड दे किले जी पहली मेरे जीटी सिटी रोड दे। ओए भाई होप करता हूँ कुछ हुआ ना हो भाई, एंड टाइम पे मैंने गाड़ी कंट्रोल कर ली, वरना ससुरी ऐसी लगती ना भी डिवाइडर पे भाई। इसकी ड्रिफ्टिंग पावर इतनी ज़्यादा ना जी वैगन में क्या बताऊँ, और टिचक टिचक करने वाली लाइट भी भाई काफ़ी खतरनाक है भाई, काफ़ी प्यारी लग रही है मेरे को ये जी वैगन। ये रॉयल फैमिली से मेरे को यार जो M4 गिफ्ट करी थी उसकी जगह ये करनी चाहिए, और M4 को गाइस मैंने बैनी के पास छोड़ रखी है मॉडिफाइड करवाने के लिए। बैनी कह रहा है कि तू जब आएगा तभी मैं मॉडिफाइड करूँगा, ऐसे मैं नहीं करने वाला, बाद में तू काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करवाता है। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, माऊंगा जब भी करती हूँ। और बाकी अभी पहुँचते हम शोरूम में, उसके बाद हमें मलिबो मैंशन के लिए निकलना, काफ़ी खतरनाक चीज होने वाली है वहाँ पे, तो उसके लिए भी भाई भिड़ो को हमें जाना पड़ेगा। और बाकी भाई ये गलियों से आ चुके हैं हम, क्योंकि सिटी में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगा और सिटी वालों ने चैनल पे भी आ रही है वो खबर, तो कोई दिक्कत नहीं गाइस इधर की साइड से धीरे धीरे निकलते हैं अपने शोरूम पे, और फिर आप सब लोगों को सीधा शोरूम पे मिलते हैं एक काफी खतरनाक गेस्ट के साथ जो आज डिलीवरी लेने आया है। तो ये तो लेट्स गो। तो गाइस मैं बहुत करीब पहुंच चुका हूं अपने शोरूम के साइड, और जो हमारे स्पेशल गेस्ट आए उसको आप काफी अच्छे तरीके से जानते हैं, और भाई काफ़ी बार आप मिले भी हैं उनसे, तो भाई अभी थोड़ी देर में आपसे लोगों से उनसे मिलाने वाला। और हम आ चुके हैं, थोड़ी सी रॉन्ग साइड लेनी पड़ेगी या फिर इधर से ले लेते हैं, चलो थोड़ा कट सा बाकी इस गाड़ी को जाते हैं। आगे की साइड आपको दिखी होगी जो गाड़ी भाई अपनी है, रॉयल फैमिली गोल्ड एडिशन वाली लैम्बोर्गिनी वो, और बाकी अपनी NSG सिक्योरिटी इधर की साइड खड़ी हुई है। भाई कितना ज़्यादा स्टोक आ रखा है आज, एक और गाड़ी नहीं आ चुके, दो गाड़ियाँ नहीं भाई, एक गाड़ी का स्लोट है, वरना मेरे को गाड़ी उधर पीछे वाले बैक यार्ड एरिया में लगानी पड़ती है। और बाकी भाई यहाँ पे लगा चुके हैं अपनी गाड़ी, भाई यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। और बाकी भाई आपको कलेक्शन दिखाऊं अपनी कार्स का भाई शोरूम में, तो भाई कितना तगड़ा आ रखा देखो भाई, पोर्शे GT आ रखी है भाई, पोर्शे GT ये वाली गाड़ी देखनी है आपको। चलो यार आ गाइस आपको इसका इंटीरियर वगैरह, और इसको थोड़ी देर में इसी को लेके चलेंगे अब। और बाकी भाई ये वाली न्यू भाई जो ये गाड़ी आई है हमारी GT 63 भाई साहब, जो ये गाड़ी है AMG की भाई, मर्सिडीज सेडान भाई, बहुत प्यारी गाड़ी है। अंदर की साइड भी एक गाड़ी लगवा रखी है, वो उनको कलर पसंद नहीं आया, इस वाले कलर में करवानी थी, तो इसकी भी आज डिलीवरी करवानी है हमें भाई। काफ़ी खतरनाक बिजनेस मैन आदमी है, उन्होंने भाई रिक्वेस्ट करी थी तो हमने करी। बाकी ये जो पानी में चलती है उरस, ये तो आपने देखी है, इसका लुक देखो भाई कितना तगड़ा करवा रखा है, एक नंबर मॉडिफाइड करवा रखी है भाई उरस, जो कि पानी में भी तैरती है और भाई कहीं पे भी चला सकते हो इस गाड़ी के मदद से। हम अंडर वाटर माफिया के वहाँ से पूरी बातें सुन के आए थे। बाकी ये वाली गाड़ी आपने देखी है, मैं जो अपनी है कौन सी जरा यार कमेंट करोगे या फिर मैं ही बता दूँ आप सब लोगों को, पता है निशान GTR लाइन की भाई, एनिमेटेड लाइट्स के साथ क्या बात है। और बाकी डिफेंडर यार इधर के लिए सर्विस के लिए आ रही थी, तो लगता है कोई गाड़ी सर्विस हो रही है तो इसको इधर ही खड़ा कर दिया भाई, ऑफ रोडिंग करके आई है लगता है डिफेंडर भाई, प्यारी लग रही है डिफेंडर। डिफेंडर की एक चीज़ है ना, जो अंदर वाला इंटीरियर है ना देखो, कितनी बड़ी स्क्रीन और काफ़ी प्यारा इंटीरियर है इस गाड़ी का तो। और बाकी अपने NSG सिक्योरिटी इधर की साइड खड़ी हुई है, देख सकते हो पिस्टल वगैरह लेके, जैसे कि आपको पता ही है इधर की साइड गन्स वगैरह हम इनको अलाउ नहीं कर रहे क्योंकि पब्लिक एरिया। और बाकी भाई यहाँ पे देखो तो क्या बात है, क्या बात है, पूरे भाई मजे से इधर की साइड खड़े हुए हैं, मुंडी मुंडी हिला रहे, देख सकते हो चारों तरफ अपनी NSG सिक्योरिटी खड़ी है। यहाँ देखे तो भाई NSG सिक्योरिटी गाड़ी के साइड में ऐसे खड़ी हुई है ना कि भैंस की डेट किसी की भाई पर, क्या बात है क्या बात है। चलो तो भाई थोड़ी सी जगह दो यार भिड़ो को थोड़ी सी बस, चलो निकल गए हम तो इधर की साइड से। और बाकी चीफ मेरी बात सुनिए यार, तेरे को भी कोई गाड़ी गुड़ी लेनी हो कुछ भी चाहिए व्हीकल्स वगैरह तो मेरे को बता दियो ठीक है। और अपनी जो NSG सिक्योरिटी काफ़ी खतरनाक काम करी और मैं काफ़ी इंप्रेसिव भी हूँ तुम्हारे से, बाकी तुम रेडियो वगैरह पे कॉल देते रहो, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाते रहो। डक्कन बॉस है अच्छा, अरे वो तो चलो चलो ठीक है ठीक है। तो गाइस ये कह रहा कि डक्कन भाई आपसे काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो आप जल्दी से वहाँ जाओ, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं। तो चलो चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, सामने की साइड देखें तो अभी भाई साहब यहाँ पे देखें
तो भाई ये देखो क्या खतरनाक गाड़ी है अपनी मस्टैंग भाई साहब। शैल भाई मस्टैंग, शैल भाई मस्टैंग, क्या बात है क्या बात है। इधर की साइड नया आ चुका है बेंटली वगैरह, दोबारा से हमारे शोरूम में आ चुकी है। देख सकते हो कितना प्यारा कलेक्शन लग रहा है, अपनी बेंटली भी आ चुकी है। और सामने की साइड जो आपको स्पेशल गेस्ट की हम बात कर रहे थे वो है ये भाई साहब। हाँ भाई टक्कर क्या हाल है? अरे यार सॉरी सॉरी, तेरे को काफी ज्यादा वेट कराया। बाकी टॉम मेरी बात सुन यार, सर को काफी जल्दी जल्दी सारे फीचर्स बता दे और सारी चीजें तू बतानी है, तेरे को भी बतानी है ठीक है। और कोई इन्हें गाड़ी पसंद हो तो वो भी, जो इंश्योरेंस वगैरह होता है सब कुछ बता दे। और कोई गाड़ी लेनी है टक्कर भाई, या वही लेनी है? अच्छा अच्छा, रॉयल फैमिली के कति खास होने की कर रहे हो, हैं पता है मुझे पता है। चलो बाकी आप ना इनसे डिस्कस कर लो पेपर वर्क वगैरह, थोड़ी देर में आपकी डिलीवरी करवाते हैं ठीक है। ओके ओके, अरे सॉरी यार थोड़ा सा लेट आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो भाई टक्कर काफी ज्यादा मेरे को सुना रहा था, बोल रहा था यार माइकल पहली बार तेरे शोरूम में गाड़ी लेने आया हूं और तू नहीं था तो मेरे को काफी ज्यादा मतलब बुरा लगा, तो तेरे को फटाफट बुलाया मैंने। बाकी कोई काम तो नहीं कर रहा था मैं, तो भाई बेल्ला ही बैठा था, आप सब लोग को पता ही है। बाकी भाई जो मैं बात कर रहा था हमारी भाई जो ये वाली गाड़ी जो GT63 है, मर्सिडीज की सेडान में आती, जो ये बाहर भी देखो ब्लू कलर में आपने देखी थी, और यहाँ पे तो फुल्ली मॉडिफाइड करके खड़ी कर रखी है। जो एक्सेसरीज हम लगाते हैं इसके अलग से पैसे लेते हैं, तो उसी के लिए हमने वो सिंपल अभी एक्सेसरीज लगाएंगे, मॉडिफिकेशन वगैरह होगी। बाकी मस्टैंग अपनी देख सकते हो चमचमाती हुई खड़ी है, इसकी जगह काफी जल्दी आपको पैंथर कार भी खड़ी हुई दिखेगी। बाकी इधर की साइड देखे तो भाई गड्डी अपनी भाई कौन सी आ रही है, ये अपनी जो फरारी है वो है। चलो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल गाड़ी है तो चलो कोई दिक्कत नहीं गाइज। और यहाँ पे जो हम एडिशन लेके आए थे एक कलेक्शन में, वो बाहर की साइड जा चुका है, और काफी जल्दी आपको यहाँ पे भी एक खतरनाक गाड़ी देखने को मिलेगी। शायद मेरे को अभी तो भाई बोल के जो अपने टॉम भाई साहब उसको बोलना चाहिए कि अभी तो भाई इस बंदे को बोल देता हूँ, ये तो यहाँ पे साफ सफाई वगैरह और गाड़ी वगैरह खड़ी करवाता है। वो मेरी बात सुन, जो उरस खड़ी है ना अपना बाहर, जो तैरने वाली उरस है, वो जो बाहर खड़ी है यार, वो वाली गाड़ी वहाँ पे लगा दो तुम, क्योंकि वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा खाली गाड़ी का वो स्लॉट ठीक है, फटाफट लगा दो। ओके तुम बोल रहा, ओके सर अभी लगवा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो तो सोफे वगैरह सब कुछ चीजें इधर की साइड लगी हुई है, और काफी खतरनाक लग रहा है अपना शोरूम तो। कि भाई साहब यहाँ पे देखे तो भाई साहब डक्कन बोस की गाड़ी रेडी हो चुकी है, और क्या बात है क्या बात है। इधर की साइड देख सकते हो डक्कन बोस की जो गाड़ी है चमचमा रही है भाई, लैम्पर की नहीं मंगाई है लौंडे ने, क्या बात है क्या बात है। चलो बढ़िया है, अभी थोड़ी देर में गाइस केक वगैरह मंगाते हैं, और भाई डक्कन बोस की गाड़ी जो ली है उसने हमारे शोरूम से, उसकी भाई डिलीवरी वगैरह करवानी है हमें इधर की साइड, क्या बात है क्या बात है। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, काफ़ी मज़ा आने वाला है। फूल वगैरह भी लगवाने हैं तो भाई पूरे इन अरेंजमेंट में करवाता हूँ, फूल वगैरह करता हूँ अपने फूल वगैरह वालों को, केक वगैरह बन के फटाफट आएगा फिर डिलीवरी करवाते हैं। डक्कन बोस ने हमारे शोरूम से गाड़ी खरीदी है, क्या बात है क्या बात है। डक्कन भाई मौज बांधी, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, थोड़ी देर में आप सब लोगों से मिलते हैं जब भाई सेरेमनी होगी हमारी गड्डी की, निकलते हुए सेलिब्रेशन भी होगा। ओ ये क्या बात है डक्कन भाई, क्या बात है, फोटो वगैरह पूरी खिंचवाई जा रही है। ओ ये तो गाइस यहाँ पे डक्कन बोस की फोटो वगैरह खिंच रही है, और ये लो आपका केक नई गाड़ी का। ओ ये अरे क्या यार, डायबिटीज वगैरह चलती रहती है, आज नई गाड़ी खरीदी है, खा लो। अच्छा अच्छा, डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर रखा केक के लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं। बाकी देख रहे हो हमारे कसिनो का केक मंगा के लाया, तुमने नया बिजनेस स्टार्ट करा तो उसके लिए देख रहे हो। अरे 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 भाई हो तुम तो यार हमारे, तो भाई डक्कन को थोड़ा मिर्च मसाला लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है आगे आने वाले बिजनेस में। चलो कोई नहीं, मैं पैक करवा दूंगा। बाकी गाड़ी के आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे यार मेरे साथ तो खिंचवा लो डक्कन भाई, लो भाई आपके साथ भी फोटो खिंचवा लेंगे। तो भाई यहाँ पे डक्कन बोस के साथ फोटो खींचते हैं, आपके मुँह में डाल दूँ वाला केक। ओह नो, चलो यार भाई कह रहे हैं कि यार मेरे को दिक्कत है, डॉक्टर ने बोल रखा साफ मना कर रखा है इसलिए। और बाकी भाई यहाँ पे डक्कन भाई ने खरीद लिया रॉयल फैमिली की गोल्ड वाली लैम्बोर्गिनी एडिशन, भाई क्या बात है क्या बात है। और अपनी एनएसजी सिक्योरिटी भी इधर की साइड इनके साथ फोटो वगैरह खिंचवाती हुई, डक्कन तो भाई पूरा रोप चला रहा था, ओ इधर खड़े हो, ये खड़े हो, वो खड़े हो, तो मैंने कहा अरे अभी ना डक्कन तेरा डक्कन खोल देंगे हमारी एनएसजी वाली सिक्योरिटी। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, तुम फोटो वगैरह खिंचवाओ, मैं केक वगैरह पैक करवा देता हूँ। और बाकी टॉम का है, टॉम को मैं बोल देता हूँ कि उधर की साइड ही खड़ा है, मेरे को दिख चुका है, तो वहाँ पे जाके उसको बोलना पड़ेगा। बाकी कसिनो का भाई नया बिजनेस ऑन किया है भाई हमारे भाई साहब ने, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि यार इतना तो हम कर ही सकते इस बंदे के लिए। चलो कहाँ पे गया, टॉम को बोलता हूँ कि टॉम लड़की के साथ लगा हुआ क्या? अरे ससुरे लड़की ताड़ रहा है। अरे ससुरे मेरी बात सुन यार, टॉम वो डक्कन भाई साहब के लिए वाला केक वगैरह पैक करवा दो और उनकी गाड़ी को भिजवा दो फटाफट यहाँ से। चलो ठीक है। और मैं भी यार एक मिनट थोड़ा सा पेपर वर्क चेक कर लेता हूँ अंदर की साइड, तो मैं टेबल पे ही रख रहा हूँ, वहाँ से उठा लियो तो अंदर की साइड से। और बाकी भाई हमारे इंश्योरेंस वाले वगैरह इधर की साइड बैठे हुए हैं,
और भाई अंदर की साइड अभी हमें जाना, और भाई पूरा केक वगैरह अब रख देना इधर टेबल पे, और ये पैक करवा के आप सब लोगों से फिर मिलते हैं। हम जाने वाले हैं अब अपने मलिपो मेंशन पे रॉयल फैमिली के छोटे वारिस से मिलने के लिए। लेट्स गो गाइस, हमारा पेपर वर्क पूरा खत्म हो चुका है, सारे पेपर एक्यूरेट है, सारी चीजें सही तरीके से चल रही। काफी टाइम से मैं इधर की साइड काफी टाइम से बिजी चल रहा था, तो भाई फिर मैं इधर की साइड आ नहीं पा रहा था, पर अब सारी चीजें हो चुकी है। और गाइज आज आप सब लोगों को मैंने शुरू में आए थे इधर की साइड तो एक बात बोली थी, पोर्शे की GT3 गाड़ी आ रही है इधर की साइड, जिसको आज हम लेके जाने वाले हैं इधर की साइड से। जी वैगन मैंने यहीं पे खड़ी कर दी अभी, और इस गाड़ी की थोड़ी ड्राइविंग वगैरह करने वाला हूं, और इस गाड़ी की थोड़ी देर में डिलीवरी होने वाली है। GT63 है, और ये है पोर्शे की GT3, मतलब GT लाइन काफी ज्यादा चल रही है, स्पोर्ट्स लाइन आजकल सिटी में। तो भाई GT3 देखते तो पीछे की साइड इस पे लिखा भी है, काफी खतरनाक वाली ये भाई गड्डी है। बाकी अंदर की साइड हम बैठ चुके हैं, अब भाई गाड़ी की साउंड सुनते हैं, भाई एनिमेटेड लाइट्स क्या बात है, और पीछे की लाइट देख रहे हो कितनी तगड़ी है भाई साहब, एक नंबर। आगे की साइड भी भाई लाइट्स देख सकते हो, पोर्शे का लुक तो भाई कितना प्यारा रहता है। बाकी इसको लेके हम इधर की साइड से निकल रहे हैं, भाई क्या बात है भाई, एक नंबर गाड़ी है भाई ये तो, ओहो अभी भगा के भी देखेंगे, और इसमें थोड़ी एनिमेटेड लाइट्स भी पीछे की साइड कि भाई काफ़ी प्यारी लग रही है अपनी। और इधर की साइड से निकल चुके हैं अपनी गाड़ी को लेके, क्या बात है भाई लोगों, कितनी प्यारी लग रही है गड्डी, ओ ये क्या बात है भाई, चलने में तो अलग ही है भाई। GT9 भाई स्पोर्ट्स में आ चुकी है, जैसा कि आपको दिख रही है भाई, GT9 काफ़ी ज़्यादा लोग लेना पसंद कर रहे हैं, जब से निशान GTR लेके आई थी, फिर भाई जो अपनी जी वैगन वाली सीरीज भी काफ़ी खतरनाक चल रही है। और भाई साहब क्या बात है, GT लाइन काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है आजकल, क्योंकि गुडविल बना चुकी है मार्केट में काफ़ी खतरनाक वाली। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, इधर की साइड से तो अभी हम निकल रहे हैं आराम आराम से, होले होले की देवी चनच पतलों दी भाई, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और इसके एनिमेटेड लाइट्स देखिए भाई, यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से दिखेगी, क्योंकि इधर की साइड थोड़ा अंधेरा ब्रिज के यहाँ, भाई एनिमेटेड लाइट्स अब आपको क्लियर दिख रही होगी यहाँ पर देख सकते हो। बाकी मैं एक बार बंद करके गाड़ी अभी ऑन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखो एक बार हमने बंद कर दी गाड़ी, और बाहर की साइड से भी आप सबको थोड़ा लुक दिखा देता हूँ, और वो लुक भाई काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मस्त। और इसकी नंबर प्लेट देखो इधर की साइड आती है, दुबई वाली गाड़ी है, उस पर इधर की साइड रखते हैं वो वाली गाड़ी, शायद ये वाली जो कार से हमने दुबई वगैरह से ही मंगाई है, दुबई के शेख से भी आपको काफ़ी जल्दी हम मिलवाने वाले हैं, जो हमारे शेख साहब ये सारी चीज़ें डीलिंग्स वगैरह हमारी करवाते हैं। एनिमेटेड लाइट्स आप देख सकते हो कितने खतरनाक है, आगे की साइड से भी पीछे की साइड से भी भाई काफ़ी ज़्यादा प्यारी एनिमेटेड लाइट्स है पोर्शे की GT3 में भाई, क्या बात है, एक नंबर है। और अब इसका भगाने का वक्त आ चुका है, सामने की साइड आपको मिल चुकी है हमारी भाई साहब टोटली हमारी फ्री रोड, तो ये देखो भाई 200 क्रॉस कर चुकी है भाई, आवाज़ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, 300 क्रॉस करवा दी इसकी मैंने की भाई, क्या बात है भाई, हैस की टेंट 250 क्रॉस भाई, 300-350 आराम से जा सकती है, क्योंकि इसकी एक्सीलेटर पावर काफ़ी ज़्यादा प्यारी है बिल्डो, और पीछे की लाइट भी जला दी है, और अब देखो भाई पर ही हिल रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही गाड़ी भाई, और ब्रेकिंग्स में भी थोड़ी दिक्कत मान सकते हो, क्योंकि देखो थोड़ी देर में शुरू होती है, पर है वैसे भाई ऐसे नहीं कह सकते, कुछ मुच्चू गाड़ी है भाई, काफ़ी तगड़ी गाड़ी है कुछ को, ये देखो भाई भगने में कैसी भग रही है भाई, एक्सीलेटर पावर जो है ना इसकी काफ़ी खतरनाक तरीके से भग रही है, ये देखो और चीटी रोड से किले बीच पर एक चीज देखी ना, उस गाड़ी को कुछ हुआ ना हमारी गाड़ी को कुछ हुआ भाई साहब, आगे की साइड ये जो सिक्योरिटी टाइप बना रखी है भाई, 250 की स्पीड या 150 की पता नहीं 100 के आसपास स्पीड थी, मैंने देखी नहीं एग्जैक्टली, पर काफ़ी खतरनाक तरीके से गई अपनी गाड़ी भाई, पर भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मर भी आप सब लोग इसका बोल सकते हो, कि ये देखो इस बंदे की साइड से हमने निकाली फिर से, भाई साहब ये गाड़ी भाई हाहाकार तो है, पर इसका आर्मर भी काफ़ी तगड़ा है, और एक बात और बोलूँ तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है भाई, जितनी स्टेबल हमारी और गाड़ियाँ थी उतनी स्टेबल नहीं है पोर्शे की भाई, यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे बोल सकते हो ये कभी बात की, ऑफ रोडिंग में भी काफ़ी तगड़ी बकरी है, देखो 200 क्रॉस करो यहीं पे, देखो डस्ट में तो 200 क्रॉस करना काफ़ी बड़ी बात होती है, 200 के आसपास 203-210 के आसपास ये डस्ट में हाइएस्ट जाएगी, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको बताइए कि टायरों पे काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ता है और इसका माइलेज भी गिर जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, अभी तो हमें मलिपो मेंशन की उधर की साइड जाना, और मलिपो मेंशन से जो हमारे भाई साहब ने बुलाया है हमारे छोटे वारिस ने काफ़ी तगड़ा काम देने वाले आज मेरे को, चलो कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगा भाई संभाल लेंगे, बाकी भाई काफ़ी खतरनाक तो गाड़ी है ये हमारी, जो भाई देखो कैसे भाई रफ ड्राइविंग हो रही है, इसकी टेस्टिंग वगैरह चल रही है, क्योंकि कस्टमर को देने से पहले हम एक गाड़ी एक सैंपल के तौर पर मंगाते हैं, वो सैंपल के तौर पर मंगाएं, इसीलिए तो मैं इस गाड़ी को इतने रफ तरीके से चला रहा हूँ, वरना भाई काफ़ी महंगी गड्डी है,
भाई सैंपल के तौर पे गाड़ियों में टेस्टिंग कर सकते हैं भाई। स्टेयरिंग इसकी इतनी अच्छी नहीं है, देखो बहुत देर पे रिस्पॉन्स करता है इसलिए स्टेयरिंग। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, अभी तो अब जो भी है भाई बढ़िया गाड़ी ओवरऑल भगने में, तो इसको स्पोर्ट्स लाइन में यही है गाइस, जीटी लाइन में ये है कि भगने के लिए एक नंबर है, पर थोड़ी जो स्टेयरिंग वगैरह में उसमें दिक्कत रहती है, और बाकी भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से तो हम ये गाड़ी चला ही रहे हैं। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं गाइस, अभी सीधा पहुँचते हैं हम अपने मलिको मेंशन पे और वहीं पे मिलते हैं अर्जित ने। अगर आप चैनल पे नए तो गाइस दो तीन चीज कर दी, अगर अपने भाई के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इस वीडियो वगैरह बनाने में, कैसे धूल वगैरह उठ रही है भाई, अब गर्मी का टाइम आ चुका है। तो गाइस दो तीन चीज़ ये है कि भाई साहब एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया और कमेंट भी कर दिया करो। और भाई इधर की साइड आप देखो रेतीली जगह आ चुकी है, तो कैसे देखो डस्ट ही डस्ट दिख रही होगी आपको, इधर की साइड देखो रोडों पर कैसे डस्ट वगैरह उठ रही है, क्योंकि भाई साहब इधर की साइड है ये सैंडी वाला एरिया जहाँ पे डेजर्ट वाला एरिया, इधर की साइड भाई मिट्टी के पहाड़ वगैरह और मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उठ रही है, इधर की साइड आपको रोड पर दिख रही होगी एक अलग लेयर दिख रही होगी आपको रोड पर, देखो कितने गंदे तरीके से इधर की साइड हो रखी है रेती रेत। चलो कोई दिक्कत नहीं, लेट्स गो, सीधा पहुंचते हैं मलिको मेंशन ही, और आपको दिखाते हैं अगर अपनी एसपीजी सिक्योरिटी जो हमारे इबादत करती है मलिको मेंशन की, लेट्स गो। गाइस मलिको मेंशन की तरह हम बढ़ चुके हैं इधर की साइड रोड पे आ चुके हैं, सामने की साइड आपको दिख चुका मलिको मेंशन, कैसे भगती हुई आई है अपनी गड्डी, क्या बात। और भाई सेंसर खोल दो, माइकल डिसेंटा हेयर, ओके तो भाई साहब सुन गया सिक्योरिटी ने और खुल चुका अपना सेंसर भी, क्या बात है क्या बात है। बाकी सामने की साइड देखा जाए भाई अपने अंडरवाटर माफिया के महल में कोई भी हलचल नहीं आजकल, यहाँ पे देख सकते हो अपनी जो सिक्योरिटी है काफ़ी तगड़े तरीके से काम करती हुई है, क्या बात है क्या बात है। और बाकी अपनी पूरी मंडली इधर की साइड ही है, जितना मैंने अभी फ़ोन करके पूछा फ्रैंकलिन से तो वो कह रहा है हम तो इधर की साइड ही मजे मार रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है तू भी आ जा, और अभी तक छोटे वारिस आया नहीं आया तो इसलिए मैंने उनको पूछने के लिए फ़ोन किया था, तो बोल रहे थे अभी तक तो नहीं आया। बाकी अपनी जो BMW वगैरह आप सब लोग देख रहे हो इधर की साइड खड़ी है, और अपनी जो एक और डिफेंडर जो हमने मलिको मेंशन में हमें मिली थी जब हमने खरीदा था, उसके साथ कुछ कार्स मिली थी तो इधर की साइड ही थी, बाकी भाई अंदर की साइड भी एसपीजी सिक्योरिटी कवर लेके खड़ी हुई है, क्या बात है। इधर की साइड झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और बाकी अपनी मंडली वो रही दिख गई है मेरे को अपनी मंडली, ड्राइवर लेस्टर और हैकर गर्ल, क्या बात है फ्रैंकलिन सारे भाई इधर ही, आज तो काफ़ी दिनों बाद इतना टाइम मिला, क्या हाल है भाई, क्या बात है क्या बात है। और सब मजे में यार, सा तो यार बस कट रही है जिंदगी यार, ड्राइवर और भाई फ्रैंकलिन कति मजे मार रहा है, और हैकर गर्ल जो मैंने तेरे को काम बोला था उसके बारे में अपडेट्स वगैरह पता चले, अच्छा अच्छा चल ठीक है ठीक है, अपडेट्स वगैरह देती रहे मेरे को, वैसे तू बताती रहती है पर थोड़ा यार ध्यान दे ले तू भी, वैसे थोड़ी ढीली पड़ रही है इनके साथ मजे मारने में मत रहे, क्योंकि फ्रैंकलिन कलवा तो कुछ काम का नहीं है, बस डांटी बढ़ा के सेट रहता है और कुछ काम का नहीं करना, और ड्राइवर को तो क्या ही बोलना, ड्राइवर तेरे मुँह पे किसी ने पंच मार दिया क्या, अच्छा अच्छा और पीले दारू खोल रहा है कि भाई क्लब में कल लड़ाई हुई थी मेरे, तो भाई मुक्का पड़ेगा मेरे को। बाकी लेस्टर जो तेरे को काम बोला उसकी लोकेशन से जो है अपनी अंडरवाटर माफिया की ट्रैक करता रहा, वो किधर जा रहा है, क्या क्या कर रहा है और क्या क्या बिजनेस कर रहा है, चलो ठीक है अभी थोड़ी देर में रॉयल वार छोटे वारिस आने वाले रॉयल फैमिली के, तो यहाँ से भी तुम निकल लो, चटर पटर यहाँ पे बातें कर रहे हो इतनी देर से, चलो भगो यहाँ से। बाकी यहाँ पे देख सकते हो भाई अपनी एसपीजी सिक्योरिटी भाई साहब काफ़ी तगड़ी लगा रहे हैं इधर की साइड चारों तरफ भाई साहब, और बाकी अभी भाई उनकी मंडली बातें कर रही है, क्योंकि गाइस बोर हो ही जाते हैं आपसे लोग को बताए इतने टाइम से, इधर की साइड भाई अपनी पूरे हेल्प में लगे हुए हैं, और अपने जो रोलेक्स भाई है उनकी डेट फिक्स हो चुकी है कि वो काफ़ी जल्दी आने वाले हैं, कुछ 5-6 दिन में आपसे लोग को दिख जाएंगे हमारे रोलेक्स भाई आएंगे, और अपनी भाई सिक्योरिटी भी वो साथ लेके आने वाले हैं काफ़ी खतरनाक वाली। बाकी भाई हम मलिको मेंशन में आ चुके हैं, अभी नहा धो के भाई मेरे को रेडी होना है, रॉयल फैमिली के लिए आज एक काफ़ी खतरनाक वाला काम करने जाना है मुझे, उस चीज़ में आपसे लोग को काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। बाकी नीचे गाइस हमारा जो बेस है उसको मैंने काफ़ी टाइम से देखा नहीं है, सीक्रेट बेस जो पे मैं मलिको मेंशन में उसको भी अभी थोड़ी देर में मैं चेक करूँगा, पर यहाँ पे देख सकते हो अपनी सिक्योरिटी वगैरह घूमती हुई पूरा भाई अच्छे तरीके से चल रहा है, इधर की साइड से भाई नज़र तो ना पड़े मेरे पे तो भाई अच्छा है, क्योंकि अंडरवाटर माफिया ने उसने बेस से देख लिया भाई वो मिंट नहीं लगाएगा भाई इस मेंशन को भी उड़ाने में, पर कोई दिक्कत नहीं है रॉयल फैमिली हमारे साथ खड़ी है तो वो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं उगाड़ सकता हमारा, बाकी भाई वो कुत्तों की तरह तो ढूंढ ही रहा है। बाकी मैं शावर वगैरह ले सकता हूँ अपने कमरे में आ चुका हूँ, यार ड्रेस वगैरह मेरी पड़ी है नहीं पड़ी इधर की साइड, अच्छा लगी हुई है, चलो लगी हुई है ड्रेस वगैरह तो है मेरी, ये वाले कमरे में भाई मस्त पार्टी वार्टी करी है कल रात को, अभी भाई शावर लेने का वक्त आ चुका है, शावर वगैरह लेते हैं अपना भाई साहब काफ़ी मस्त तरीके से, जकूजी में नहाना चाहिए शावर में नहाना चाहिए, अभी तो मेरे समझ नहीं आ रहा पर थोड़ी देर में अभी मेरे को तो लग रहा है शावर में ही नहा लेना चाहिए। चलो इधर की साइड भाई यहाँ पे हम अंदर की साइड आ चुके हैं, अब देखो भाई क्या ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हलवा पूरी
खाना चाहिए। वो ये क्या बात है भाई, पूरा मजा आ रहा नहाने में तो, एक नंबर भाई। ये मत मजा आ रहा अपने मलिको मेंशन में रहने का, तो अभी मजा तो मैं उठा रहा हूँ। बाकी रॉयल फैमिली को आने से पहले भाई सूट वगैरह पहन के रेडी हो जाते हैं अच्छी तरीके से, और फिर आप सब लोगों को भी मिलते हैं, और काफ़ी खतरनाक सीन होने वाला है जितना उन्होंने मेरे को थोड़ा आइडिया दिया है। फिर थोड़ी देर में आप सब लोगों से भी मिलते हैं अपने रॉयल फैमिली के छोटे बारिश के साथ, क्या बात है, जिसमें मैं हाथों के साबुन वाबुन लगा के रेडी हो जाता हूँ। तो गाइस हम अपने सूट वगैरह पहन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, रॉयल फैमिली के छोटे वारिस ऊपर की साइड आ चुके हैं, अब चलते हैं उनसे मिलने के लिए। अपनी एसपीजी सिक्योरिटी तो काफ़ी खतरनाक काम कर रही है इधर की साइड, और ऊपर की साइड जाके देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जो भी है भाई अपने छोटे वारिस तो सामने की साइड बैठे हुए हैं, क्या बात है छोटे वारिस, जिम विम चल रही है। अच्छा अच्छा वॉली खेल रहे थे, अरे 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 वॉली नहीं, इसको बास्केटबॉल बोलते हैं। अरे सॉरी, ये देखो फोन वगैरह उधर की साइड रखा हुआ है और बास्केटबॉल ये इधर की साइड खेल रहे थे। हाँ देख सकते हो भाई पूरा व्यू भी लेके आए। चलो हाँ, अब आप जो बता रहे थे मेरे को, जितना पता लगा कि अपने जो सीक्रेट बंकर है उस पे जो अन्ना है उसने एक्वायर कर लिया, इतना मुझे पता चला है, और उसकी लोकेशन जो दी है अंडरवाटर माफिया ने दी है। पर ये प्रूफ करने के लिए देखो अभी हमारे पास टाइम नहीं है, मेरा सजेशन तो यही है कि हमें वहाँ पर अटैक कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हम अपनी सिक्योरिटी लेके वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पे जैसे लेके जाएंगे तो वहाँ पे देखो तो काफ़ी बंदे तो पहले से हैं, जितना मैं लास्ट टाइम गया था तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदे थे, तो उधर की साइड बस एक ही चीज़ हो सकती है कि आप मेरे को सिक्योरिटी दे के भेजो काफ़ी खतरनाक वाली, और फिर उसको लेके मैं वहाँ पे अटैक वगैरह तो कर सकता हूँ। और बाकी जो AI वाली सिक्योरिटी की आप बात कर रहे थे कि वहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक वाली सिक्योरिटी लगेगी, तो AI सिक्योरिटी को मैंने मॉडिफाइड होने के लिए भेज दिया और वो काफ़ी जल्दी आएगी, पर उतना समय नहीं है क्योंकि वहाँ पे हमारे काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स वगैरह पड़े हुए हैं, और आप भी जानते हो वहाँ पे हम क्या चीज़ करने वाले हैं, और काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। अगर वो चीज़ उन्होंने बना दी तो शहर में वो तबाही मचा देंगे, तो ये सब चीज़ें देखते हुए मेरी बात सुनो, मैं तो कह रहा आप मेरे को सिक्योरिटी वगैरह दो, और बाकी मैं उनको अटैक करने के लिए तैयार हूँ, मिशन को पास कराने की पूरी गारंटी मैं लेता हूँ छोटे वारी से, मेरी जिम्मेदारी है। आप टेंशन मत लो, बस मेरे को सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करने का इतना बंदोबस्त तो आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आपके पैसे वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, आप दिक्कत मत दो, आप ना मेरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो, या तो NSG लेके चले जाता हूँ मैं, या फिर SPG, या फिर ये आप वाली सिक्योरिटी, तो आपको पता ही कितनी ज़्यादा ट्रेंड है। अच्छा अच्छा तो रॉयल फैमिली की गाइस सिक्योरिटी की इसने परमिशन दे दी हमें कि रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी तेरे साथ लड़ने के लिए जाने वाली है। ओ ये तो क्या बात है, चलो ठीक है मैं देख लूँगा जो भी होगा वहाँ पे, उनको तो मैं पकड़ के ले आऊँगा। अच्छा पर उसके लिए एक मास्टर प्लान तो बनाना पड़ेगा हमें, और मास्टर प्लान जो होगा ठीक है बाकी हम थोड़ा इंतज़ार भी कर सकते हैं अगर आप कहोगे तो। ठीक है तो उसकी सिक्योरिटी का कोई बंदा आपने पकड़ रखा है, ठीक है, तो भाई जो ये प्लान बता रहे हैं कि मेरे को एक उन जैसी सिक्योरिटी आउटफिट पहन के उनके अंदर घुसना होगा, और फिर वहाँ पे देख के आना है कि बंकर में चल क्या रहा है, क्योंकि उधर काफ़ी ज़्यादा गढ़ बना लिया उन्होंने, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं वो वहाँ पे भाई, वेपन्स वगैरह सब कुछ पहुँचा के, और रॉयल फैमिली का जो बंकर है उस पर अटैक करके भाई एक्वायर कर लिया उन्होंने। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, बाकी मैं भी दिमाग चलाता हूँ, और जो बंदे का आउटफिट है वो मेरे को भिजवा दो अपनी सिक्योरिटी के लिए, मैं चेंज करके वो सब पहन लेता हूँ और फिर आपसे लोगों को मिलता हूँ। चलो ठीक है, तो भाई साहब हमारा सीक्रेट प्लान ये बना है जो छोटे वारिस ने हमें रॉयल फैमिली के बताया कि भाई अभी देख डायरेक्टली वहाँ पे अटैक करेंगे तो वो सारी चीज़ें जला देंगे, और इनके पैसे वगैरह भी वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो ये वो सब चीज़ों को भाई बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहते। तो भाई उसके लिए इन्होंने बोला कि तेरे को सिक्योरिटी का आउटफिट पहन के उधर की साइड जाना है और उन जैसा दिखना, और वहाँ पे चेक करना है कि तुझे कैसे क्या हो रहा उधर की साइड। तो सारी चीज़ें अब इन्होंने एक सिक्योरिटी वाला बंदा तो पकड़ लिया है, और अब जैसा कि मुझे पता चल रहा है कि भाई इसमें रिस्क होता है, तो भाई रिस्क है तो रिवॉर्ड भी पाना पड़ेगा, तो ये चीज़ तो मेरे को रखना पड़ेगा कि अगर मैं उधर से जाके आता हूँ भाई मेरे को कुछ ख़तरनाक चीज़ चाहिए, और कोई भाई ख़तरनाक वाली सिक्योरिटी भी चाहिए।
चलो ठीक है तो गाइस अब इनसे सिक्योरिटी की डिमांड क्या करेंगे कि एआई वाली सिक्योरिटी में जितना भी खर्चा आने वाला है तो वो यही देने वाला है। तो इन्होंने इतना तक बोल दिया तो इनके लिए अब मेरे को इतना सा तो कर सकते हैं। और बाकी रॉयल फैमिली के हम मेंबर भी हैं तो आप सब लोगों को बताइए कि हम इतना सब कुछ करने के लिए उन्होंने भी हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। जो अंडरवाटर माफिया से अभी तक मैं बचा हुआ ना रॉयल फैमिली की देना वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। आउटफिट ये इधर की साइड भिजवा रहे हैं तो मैं कमरे में चेक वगैरह कर लेता हूँ और चेंज वगैरह भी कर लेता हूँ सारी चीज़ें। और फिर अपने गन्स वगैरह हर चीज़ यहाँ पे देख दो ऑटोमेटिक वाले डोर्स वगैरह लगे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं गाइस थोड़ी देर में सारी चीज़ें कर लेते हैं और फिर आप जो लोगों को मिलते हैं एक सिक्योरिटी के आउटफिट में पहली बार। और फिर निकलेंगे जो रॉयल फैमिली का सीक्रेट बंकर है उस पर भाई पूरा अटैक होकर एक्वायर हो चुका है तो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। और अन्ना ने ये सब कुछ करवाया अंडरवाटर माफिया के साथ मिलके, पर अंडरवाटर माफिया तो साफ साफ मना कर रहा है कि मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर वो बोल देता ना भाई उसका तो बैंड बजा देता अभी के अभी रॉयल फैमिली के छोटे वारिस। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस वो तो मना ही करेगा क्योंकि अभी वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ा ही मारना चाहेगा क्योंकि मेरे से पहले उसका पंगा हो रखा है। और बाकी अन्ना की हिम्मत देख सकते हो आप, फाइनली अन्ना का बन्ना बनने का वक्त आ चुका है। अगर वो मिल गया ना सुअर वहाँ पे तो फिर देखो क्या मजा आने वाला है आप सब लोगों को। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस अभी सिक्योरिटी का आउटफिट वगैरह पहन लेते हैं और फिर आप सब लोगों को दिखाते हैं कैसे लग रहे हैं हम सिक्योरिटी के आउटफिट में। माइकल डिसेंटा ओ ये लेट्स गो। जितने अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आज की वीडियो कैसी लग रही है अभी तक आया। ओ ये तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो अन्ना के बंदे का आउटफिट हमने पहन लिया और यहाँ पे देख सकते हो अन्ना की सिक्योरिटी डिटो लग रहा है। बस मेरा शरीर थोड़ा मोटा सा है, मतलब मोटा क्या मतलब देख सकते हो थोड़ा फिट नहीं आ रहा था तो भाई कैसे करके फिट बिठा लिया है। बाकी रॉयल फैमिली के छोटे वारिस बिल्कुल सही लग रहा है मेरे हिसाब से तो, बाकी कोई कमी है तो बता दो। अच्छा अच्छा बिल्कुल परफेक्ट लग रहा हूँ ना। तो चलो मैं निकलता हूँ फिर उधर की साइड बंकर की साइड, मैं देख के आता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा और बाकी आपको फिर मैं बताता हूँ। रेडियो पे आप कनेक्टेड हो पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखना अपनी है ना। चलो ठीक है ओके ओके। तो भाई साहब बैकअप के लिए भी रेडी रहना। तो भाई मैं काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है मेरे को, मैं बैकअप के लिए बोल रहा हूँ सिक्योरिटी के लिए बोल दिया मैंने सारी सिक्योरिटी रेडी रखना, अगर कुछ भी होता तो मेरे को बचाने के लिए आपको आना। तो वो कह रहे हैं कोई दिक्कत मत ले माइकल मैं संभाल लूँगा सब कुछ। और मेरे लिए गड्डी भी आ चुकी है, ये वाली गाड़ी लेके जाने वाले हैं साहब। ये देख सकते हो उस वाली गाड़ी को मैंने बोल दिया शोरूम की साइड पहुँचा देंगे। बाकी इसके एनिमेटेड लाइट्स देखो भाई क्या तगड़ी लगती है, एक बार फिर से दिखानी पड़ेगी आपने आप सब लोग देख नहीं पाए। तो ये देखो भाई साहब क्या एनिमेटेड लाइट्स है भाई इसकी, एक नंबर भाई साहब। वाइट कलर में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है वाली कार अपनी BMW की। यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं इसको लेके भी तो क्या बात है क्या बात है। चलो भाई साहब चलो खुल चुका अपना गेट। और बाकी ये देखो भाई क्या लुकिंग है इस गाड़ी की, ओ ये क्या बात है भिड़ो। अभी लाइट वगैरह हमने जला दी है, क्या लगती है भाई साहब अलग ही भाई अलग चीज़ है भाई ये अलग भाई काफ़ी खतरनाक एनिमेटेड लाइट्स और होने में काफ़ी ज़्यादा तेज है। तो अभी हम निकल रहे हैं शिप वगैरह लेने के लिए, वहाँ से भाई धीरे धीरे एंट्री करेंगे और उधर की साइड से फिर जाएंगे हम मिलने भाई साहब जो हमारी सिक्योरिटी आउटफिट में है नीचे अन्ना की बेस में बैठी हुई है वहाँ पे भाई जो अपने बंकर में भाई अटैक करके भाई जो छीन लिया था इन्होंने रॉयल फैमिली का बंकर। उसकी बातचीत इतनी भाई बाहर नहीं आई थी पर अब ज़्यादा बातचीत बाहर आ चुकी। तो रॉयल फैमिली के छोटे वारिस की नाक की सवाल है कि वो बंकर अन्ना को मार के वापिस छीनना उनसे। तो भाई यही सब चीज़ें अब देख सकते हो इधर की साइड चलने वाली है। बाकी इस गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा प्यारा देख सकते हो, क्या बात है क्या बात है। तो गाइस अब करने वाले क्या है कि अन्ना की सिक्योरिटी में मैं मिलने वाला हूँ जाके और वहाँ पे मुझे देखना क्या है कि कैसे क्या क्या कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी उधर की साइड, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी पहुँचा दी उन्हें धीरे धीरे करके क्योंकि समुद्र के बीचों बीच तो इन्होंने भाई उधर समुद्र के पहाड़ों के पास इन्होंने अपना बंकर रखा है। और सीक्रेट बंकर की लोकेशन शायद अंडरवाटर माफिया ने दी होगी क्योंकि उसी को पता है कि भाई लुक देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है अपना BMW का एनिमेटेड लाइट्स के साथ, क्या बात है क्या बात है काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। पर कोई दिक्कत नहीं गाइस जब तक हम रॉयल फैमिली के साथ हैं रॉयल फैमिली को कुछ भी नहीं होगा और उसको भाई रॉयल फैमिली के छोटे वारिस को मेरे पे भी काफ़ी ज़्यादा विश्वास है तो मेरे को ही उन्होंने भेजा है। तो भाई अभी हम जाने वाले हैं वहाँ पे और बंकर में देखने वाले हैं कि कितनी सिक्योरिटी अन्ना ने रखी हुई है और क्या काम कर रहा है वो वहाँ पे, क्योंकि एक जितना क्ल्यू आया कि अगर वो चीज़ बन गई तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। तो उस चीज़ को देखते हुए हमें ऐसा वक्त कुछ करना पड़ेगा क्योंकि रॉयल फैमिली का राज चलता है लॉस एंजेलिस में। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए भाई प्लानिंग से हमें काम करना पड़ेगा। रॉयल फैमिली चाहे तो दो मिनट में वहाँ पे बम गिरा के पूरी चीज़ तहस नहस कर सकती है, पर गाइस वो ऐसा करना नहीं चाहते क्योंकि अगर उन्होंने वो बटन दबा दिया
तो पूरा शहर ही तबाह हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें ना करते हुए भाई रॉयल फैमिली को भी धमकी दी है अन्ना के द्वारा कि ऐसा कुछ होता तो हम फिर कर देंगे शहर को तबाह। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए फिर भाई ये मास्टर प्लान बनाया हमारे रॉयल फैमिली के छोटे वारिस ने कि भाई माइकल डिसेंटा तेरे को जाना पड़ेगा। तो मैं निकल चुका हूँ इधर की साइड से, देख सकते हो भाई पहाड़ों के बीच जंगल के बाहर जहाँ पे हमारी शिप वगैरह मिलेगी, वहाँ से मुझे बैठ के फिर जाना बंकर की साइड, क्योंकि बंकर पहाड़ों के भाई जस्ट नीचे बना हुआ समुद्र के उधर की साइड, जैसे कि आपने पहले भी देखा हुआ। उधर की साइड जाके देखते कि क्या सीन चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और बाकी भाई पता करते उधर कैसे हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और वहाँ पे अन्ना क्या बना रहा है। जितने भाई हम पहुँच रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो सीधे पहुँचते हैं उधर की साइड ही, मिलते हैं आप लोगों को। काफ़ी खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग रोड है ये, तो भाई साहब पहाड़ों के बीच से हम जा रहे हैं जहाँ से हमें कोई देख भी ना पाएगी ये सिक्योरिटी किसकी और कहाँ घूम रही है। लेट तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अंडर वाटर माफिया और अन्ना ने जो हमारे सीक्रेट बंकर पे भाई कब्जा कर रखा है उधर की साइड, और अब हमें जाके देखना है अंदर भाई बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिहेव करना है सिक्योरिटी की तरह। अगर हमने थोड़ा सा भी इधर उधर करा मामला पानी तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी फिर लोगों को, तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। और भाई गेट अब खुलने के वक्त आ चुका है और सामने की साइड भी आपको देख सकते हो सिक्योरिटी पूरी खड़ी हुई है, गेट वगैरह खुल चुके हैं। वहाँ पर हमें लगा देनी चाहिए अपनी गड्डी, ये लगा दी हमने शिप और भाई यहाँ से हम जाना अंदर की साइड, भाई इधर की साइड से चढ़ना पड़ेगा और बर्फ वगैरह हमें हाथ में ले लेनी चाहिए, इसकी डाटा में तो बड़ी दिक्कत हो जाती है अगर और कोई गन ले ली होती। बाकी चीफ मैं आ चुका हूँ, ओके कंट्रोलिंग रिपोर्ट 24, ओके श्योर। तो भाई साहब हमारा कोड जो उसके जेब में लिखा हुआ था वो हमने पढ़ लिया था और अंदर की साइड अब हम जा रहे हैं। देख सकते हो साइड में देखे तो भाई काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी इधर की साइड, मेरी ड्यूटी जो लगी हुई है नीचे की साइड लगी हुई है जितना उसने मरने से पहले बताया था, इधर की साइड देखो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी लगी हुई है। खास मैंने बंकर देख रखा था पहले, वरना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती अगर मैं इधर उधर घूमता तो भाई ने शक भी हो जाता। बाकी पूरी सिक्योरिटी देख सकते हो खड़ी हुई है इधर की साइड, क्या बात है भाई। अंदर की साइड मुझे जाके अब देखना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बाकी सामने की साइड जो बात कर रहे थे भाई साहब, यहाँ पे वही चीज़ बन रही है कि पूरे शहर को तबाही करने वाला बॉम्ब। और सामने की साइड पहले मेरे को पोजीशन लेने दो भाई, जो पोजीशन मेरे को बताई गई है वो इधर की साइड है। यहाँ पे खड़े हो चुके हैं अपना आगे जो पासपोर्ट की इधर की साइड, और यहाँ से अब मुझे पूरी चीज़ें देखनी है। और इधर की साइड देख सकते हो अन्ना भाई साहब उस बंदे को भाई साहब काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहा है और बोल भी रहा है कि अगर तूने ये काम नहीं किया तो तेरा तबाही से करके लफाई तक कर दूंगा मैं। पूरे एक तो मारा गया, एक बंदा उधर की साइड देख सकते हो मरा हुआ पड़ा है, तो तेरे को भी मरना डर नहीं लगता, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। और बाकी बीच में एक ये बना रहे हैं काफ़ी खतरनाक वाला केमिकल बम्ब। तो देख सकते हो गाइस इधर की साइड काफ़ी खतरनाक काम चल रहा है, हम तो अपनी ड्यूटी की साइड इधर की साइड आके खड़े हो चुके हैं। और भाई ये जो है भाई डॉक्टर्स को किडनैप करके इधर की साइड ले आए हैं और कुछ अपना काम करवा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मैं तो अपने यहाँ पे पासपोर्ट की साइड जगह आके खड़ा हो चुका हूँ। इधर की साइड देखे तो भाई काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी अन्ना की, और अन्ना उस बंदे को फोर्स कर रहा है और एक बंदा तो इसने टपका भी दिया। देखो देखे तो पूरा देखो थोड़ी सी नज़र शकल नज़र नहीं आ रही इधर से, इधर की साइड देख सकते हो भाई काफ़ी खतरनाक सीन हो रहा है, बम वगैरह इधर की साइड बन रहा है। भीड़ लोगों को अब कुछ टाइम के लिए मेरे को यहाँ पे हिलना नहीं है और भाई यहीं पे रहना, और भाई साहब यहीं से हिला तो भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी कि अभी तो तू ब्रेक पे जाके आया था फिर से कहाँ जा रहा है। थोड़ी देर मेरे को यहीं पर भाई काटना पड़ेगा और उसके बाद भाई यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी डर लग रहा था, पर भाई मेरी एंट्री हो चुकी है सेम आउटफिट की वजह से, और भाई जो सेंसर वगैरह में भी जो उसकी चिप वगैरह लगी हुई थी भाई इस आउटफिट में तो वो लगी हुई है, कोई भी ज़्यादा दिक्कत तो हमें नहीं हुई है इधर की साइड। और बाहर की साइड भी सिक्योरिटी और अंदर की साइड भी सिक्योरिटी, पूरी सिक्योरिटी हो रही है इधर की साइड। तो और अन्ना भाई साहब यहाँ पे पकड़ा जाता है तो भाई काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। अब इतनी लोकेशन पता चल चुकी है कि अन्ना आजकल इधर की साइड ही रह रहा है, और भाई साहब देखो ग्रीन ग्रीन कलर के केमिकल्स वगैरह भी लेके आ चुका है, और जो सामने वो चीज़ दिख रही है आपको वो वाली उसमें बॉम्ब बना रहे, केमिकल बम्ब्स वगैरह बना रहे ताकि ये अटैक कर सके रॉयल फैमिली पे भी। तो काफ़ी खतरनाक सीन हो रखा है, तो भाई एक दो घंटे मेरे को इधर की साइड ही खड़े रहने पड़ेंगे, उसके बाद मेरे को ब्रेक मिलेगा और फिर मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। भाई देखते हैं क्या सीन हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जितने यहीं पे इनकी बातें सुनते हैं और फिर आपको सुनाते हैं अपना फाइनल कंक्लूजन दो घंटे में क्या निकलता है यहाँ पे। लेट्स गो।
तो गाइस इधर की साइड देख सकते हो, फाइनली मेरे को ब्रेक मिल चुका है और मेरे फोन पे मैसेज भी आ चुका है, तो अब मेरा निकलने का वक्त हो चुका है। इधर की साइड एक एक बंदे को थोड़ी थोड़ी देर का ब्रेक दिया जाता है, क्योंकि गाइस इनसिक्योरिटी में ये होता है कि ज़्यादा टाइम का ब्रेक नहीं दे सकते, क्योंकि अटैक वगैरह हो गया तो कुछ भी सीन हो जाता है। और बाकी भाई इधर की साइड से मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पूरी लोकेशन पता थी, इसलिए भाई मैं बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं हुआ इधर की साइड से। और धीरे धीरे इधर की साइड से भीड़ लोगों में निकल चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा डर तो लग रहा था भाई। फाइनली हमने सक्सेस पा ली इधर की साइड से और आराम आराम से निकल रहा हूँ, क्योंकि भाई इन बॉडीगार्ड्स के सिस्टम होते हैं कि तुम्हारे फोन पे या फिर 2-2 बजती है तुम्हारे अलार्म टाइप, तो तुम्हारा ब्रेक मिल जाता है और ब्रेक एक्यूरेट टाइम का ही होता है। तो भाई इधर की साइड देख सकते हो हम पहुँच चुके हैं। पहले मेरे से भाई चीफ ने आके सवाल पूछे कि इतनी देर कहाँ रह गए थे तुम, ये वो, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। फिर भाई फाइनली मैंने भाई कुछ बहाना मार दिया कि भाई मेरे वहाँ पे दिक्कत हो गई थी, इसका ये जो मोटर है ये ख़राब हो गई थी, ऐसा कुछ बहाना मारा मैंने। अब लेके निकल रहे हैं, क्योंकि ये वाली फोर्स की वगैरह इधर की साइड रखते हैं भाई। ये देखते हो इधर की साइड से हम निकल रहे हैं अब ब्रेक पे, और आप हम इस ब्रेक में वापस नहीं आएंगे, क्योंकि गाइस इधर की साइड से निकल चुके हैं। अब रॉयल फैमिली को मेरे को बोलना है कि भाई कितने बंदे हैं इधर की साइड, अब पूरा भाई बॉडी कैम पे भी मैं लगा के आया था, तो वहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है सब कुछ। और आप भाई रॉयल फैमिली के जो छोटे बारिश है, उनको भाई साहब डिसीजन लेना है कि अब क्या करना है, कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें वो ही बताएंगे। और गाइस अब हम इधर की साइड से निकल चुके हैं, मलिको मेंशन पे हमारा इंतजार कर रहे हैं हमारे छोटे बारिश, तो भाई उनको जाके सारी अपडेट वगैरह देनी है कि हमारे बंकर में कैसे बम वगैरह बन रहे हैं, और भाई डॉक्टर्स वगैरह की भी जान लिए इन बंदों ने, तो भाई सबकी भाई सबका बदला तो लेना पड़ेगा तुम्हारे भाई को। भाई अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो सारे डॉक्टर्स वगैरह भी मारे जाएंगे, और भाई बम वगैरह बना दिए उन्होंने तो भाई फिर तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी साइड। वो डॉक्टर्स वगैरह बोले तो भाई जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जो बम वगैरह बनाते हैं, वो वाले डॉक्टर्स हैं भाई, वो वाले भाई का काफ़ी खतरनाक चीज़ें करने वाले उधर की साइड। और एक दो बंदों को तो उन्होंने मार भी दिया भाई बम स्पेशलिस्ट वगैरह को, तो भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर उधर बम वगैरह बना दिया सबने तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा। भाई साहब रे अब क्या करें क्या नहीं करें वो तो भाई सीधा जाके आप अपने छोटे रॉयल फैमिली के छोटे बारे में बताएंगे। शायद मेरे को ये करना चाहिए कि अब इनके ऊपर अटैक करने का सही वक्त है, सारी चीज़ें हमारे पास है, कौन सा बंदा किधर की साइड है, तो भाई सारी चीज़ें देखते हुए मेरे को तो यही लग रहा है कि भाई इनके ऊपर हमें अटैक कर देना चाहिए, और भाई काफ़ी खतरनाक अटैक की हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो भाई साहब माइकल डिसेंटा पहले ही प्लान बना के आया था कि रॉयल फैमिली की आर्मी रेडी रहनी चाहिए। ओह भाई मेरी भाई फंस गई भाई, अभी तो पानी की लहर आ गई, वरना यही पे रुक जाता तो काफ़ी जल्दी दिक्कत हो जाती। रेड वाइज सीधे चलते हैं मलिको मेंशन की साइड, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं आगे की स्ट्रेटेजी, हम क्या करने वाले हैं हमारी रॉयल फैमिली के छोटे बारिश। उधर की साइड चलते हैं, तो गाइस हम बंकर की तरफ से तो आ चुके हैं मलिको मेंशन की साइड, एंड जो स्टिंग ऑपरेशन हम करके आए हैं कि भाई जो हमारे रॉयल फैमिली के बंकर पे भाई काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी उधर की साइड बैठी हुई है, और हम इधर की साइड से अपनी सिक्योरिटी लेके जाते तो हमें इधर की साइड अगर देखो अपनी जो एसपीजी सिक्योरिटी लेके जाते तो हमें खतरा है मलिको मेंशन पे। जैसे उन्हें पता चलेगा अंडरवाटर माफिया को इतना तो पता है कि हमारी जो सिक्योरिटी है कौन सी कहाँ पे है, सिर्फ जो नए वाली हमारे साथ सिक्योरिटी आई है उसका उसे नहीं पता कि बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं एक और नई सिक्योरिटी लेके आ चुका हूँ। तो उसके लिए मैंने रॉयल फैमिली से बात करी कि देखो मैं अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए तो भाई लड़ाई के लिए नहीं भेज सकता, क्योंकि भाई वो मेरी पर्सनल सिक्योरिटी है, और आप अपनी सिक्योरिटी को अपने होटल्स वगैरह में बिजी रखना चाहते हो तो फिर भाई साहब कैसे चलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पर वो मना कर रहे हैं कि मैं वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं भेज सकता, क्योंकि भेजने का भाई एक सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई वहाँ पे भाई इतना ज़्यादा भाई चीज़ें हैं ना कि क्या बताऊँ। भैंस की टैटिक तो ले जाना भाई वहाँ पे भाई टेढ़ी खीर है इतनी सारी सिक्योरिटी को। तो भाई फिर मैंने एक सजेशन दिया कि क्यों ना हम जो हमारी एआई वाली सिक्योरिटी मॉडिफाइड होके आ रही है, जिसमें भाई पूरी पार्टनरशिप भी है जो हमारे पीड़ू है कौन से जो रॉयल फैमिली के छोटे वारिश, तो उनका भी पूरा हिस्सेदारी है, तो मैंने फिर उनको यही सजेस्ट किया कि न्यू एआई सिक्योरिटी बुक करनी पड़ेगी और लिबर्टी सिटी से वो लेके आनी पड़ेगी। तो उसके लिए वो मान गए हैं, पूरा भाई प्रोसीजर मैंने कर दिया है, और लिबर्टी माफिया को भी भाई मैसेज भिजवा दिया है कि मुझे नई सिक्योरिटी चाहिए लिबर्टी सिटी से, वो भी एआई वाली, क्योंकि एआई वाली सिक्योरिटी के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब
मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा डेंजर होती है क्योंकि वहाँ पे भाई वो बंदे फुली ट्रेंड एंड वहाँ पे भाई गजब तरीके से बैठे हुए हैं, क्योंकि भाई थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ भी होता है तो भाई वो संभाल लेंगे वहाँ पे, जैसा कि आपको पता ही है, क्योंकि भाई वो पूरा कवर वगैरह बना के बैठे हैं और पूरा एक्वायर करके बैठे हैं वो वाला बेस, तो भाई वहाँ पे घुसना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और एक तो भाई लोकेशन ऐसी जगह ना वो काफ़ी ख़तरनाक जगह है। तो गाइस इसमें यही फिर कंक्लूजन निकाला मैंने और छोटे वारिस ने कि भाई इसमें एआई सिक्योरिटी अब हमारी हेल्प कर सकती है। तो भाई एआई सिक्योरिटी हमने बुक करवा दी है, लिबर्टी सिटी से हम अब एआई वाली सिक्योरिटी लेके आने वाले हैं, काफ़ी ख़तरनाक वाली, जिसकी बुकिंग मैंने जो हमारे जो लिबर्टी सिटी माफिया ना उनसे फ़ोन पे बात करके बोल दिया कि हमें रिसेंटली एक और ख़तरनाक वाली सिक्योरिटी चाहिए, तो वो बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है माइकल डिसेंटा, तेरे लिए कुछ भी करेंगे हम। तो भाई न्यू सिक्योरिटी एक और आने वाली है, तो काफ़ी ख़तरनाक वाली जो हमारी एआई वाली सिक्योरिटी लेके आए थे उसको मॉडिफाइड वगैरह करके भेज रहे हैं और वो काम प्रोसीजर में चल रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम सिक्योरिटी लेके आए थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, अब कुछ नहीं कर सकते, चलो कोई दिक्कत नहीं है बिल्डों को। अब उसमें उन्होंने बोला था कि हम इसको मॉडिफाइड करके देंगे और कुछ पैसे बस लेंगे, चंद मतलब कि ज़्यादा पैसे तो नहीं लगेंगे, बस मॉडिफिकेशंस के पैसे लगेंगे, वो सब तो लगने थे क्योंकि भाई वो भी चीज़ को एनहेंस कर रहे हैं और उनमें बैटरी वगैरह की दिक्कत आ रही थी और शॉर्ट सर्किट वगैरह भी हो रहा था, तो उस वजह से हमने लिबर्टी सिटी में वापस भेज दिया था पूरा मामला पानी। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइज, तो ठीक है फिर आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, होप करते हैं आपको मजा आए, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आपको देखने को मिलने वाली है लिबर्टी सिटी से जो आने वाली है हमारी न्यू AI सिक्योरिटी, जो काफ़ी ख़तरनाक होगी, काफ़ी डेंजरस होगी, जिसको देख के आप सब लोग भी कहोगे वाह माइकल डिसेंटा, और उसके बाद हम फाइनली अटैक कर सकते हैं अन्ना पे भी और अंडरवाटर माफिया भी, क्योंकि AI सिक्योरिटी भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और काफ़ी ज़बरदस्त भी होती है, तो वो सब चीज़ें देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है और न्यू AI सिक्योरिटी हमने बुक ही करवा दिया है। तो चंगा फिर अगली घड़ी थोड़ी देर में आप सब लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ते हैं और उन सब पे भी रिप्लाई देते हैं, लेट्स गो। गाइस प्यारे कमेंट सेक्शन में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, तो हमारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले लिखा है अशोक कुमार भाई ने, गोस्ट सिक्योरिटी लेनी चाहिए। ओके ओके ब्रो, गोस्ट सिक्योरिटी भी काफी जल्दी लेंगे हम और काफी जबरदस्त वाली लेंगे। उसके बाद लिखा है भाई पैंथर को किसी को टॉर्चर करने के लिए यूज करना, तो भाई पैंथर को अशोक कुमार भाई की बात पे हम टॉर्चर कर लेके अन्ना को करेंगे भाई साहब उससे टॉर्चर, क्योंकि जब हम हमारी गिरफ्त में होगा तो काफी ज्यादा मजा आएगा भाई। टेक्नो बयान के वर्ड में जाओ, ओके मेरे भाई, ओके वेरी वेरी सून मेरे भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, काफी प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं। लेट्स वोट फॉर फेस रिवील, ओ नो, लेट्स वोट फॉर 3 एपिसोड्स एवरी संडे, ओके मेरे भाई वेरी सून, हम काफी जल्दी कोशिश करेंगे कि हम एक एक तीन तीन घंटे के भी एपिसोड बनाएं, और अभी एक एक घंटे के तो हमारे चल ही रहे। 6x6 डिफेंडर फॉर बॉडीगार्ड, ओके भाई भाई 6x6 बॉडीगार्ड के लिए डिफेंडर चाहिए, चलो ये भी करेंगे। हाईटेक वेपन्स फॉर बॉडीगार्ड, आ गए भाई साहब हाईटेक वेपन्स, बाकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए हम काफी जल्दी मंगाएंगे भाई। बीबी गेमिंग के वर्ड के साथ खेलो, ओके ब्रो, ओके ओके भाई, न्यू कार ब्लूट प्रूफ, न्यू कार लेनी है ब्लूट प्रूफ, ओके मेरे भाई वेरी सून, ओके मेरे भाई वेरी सून भाई, काफ़ी जल्दी लेंगे हम एक ब्लूट प्रूफ कार भी। थार और स्पैरो पता नहीं क्या लिखा भाई, थार और स्कॉर्पियो लिख रहे हैं ऐसा कुछ, ले लेंगे भाई वो भी ले लेंगे। मयंक जैसी सिक्योरिटी, बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ, हेलो भाई, हेलो क्या हाल है, हेलो पाजी की हाल चाल, सत श्री अकाल। और भाई उसके बाद लिखा यूजर भाई ने राजभर, ओके बाप अपने सिक्योरिटी लेके चलो भाई, अपनी अपने न्यू सिक्योरिटी खरीद ली है और आप सब लोग दे सकते हो, वाह भाई इतने जल्दी सीनियर मेंबर बेवकूफ किसी और को बनाना। ईगल गेमर भाई क्या ही बोलूँ भाई, तू हर यूट्यूबर के मैंने कई सेक्शंस में देखा भाई, ये बंदा जाके हगता ही है और इतने गंदे गंदे कमेंट्स करता है, इसको मैं भाई क्या ही बोलूँ, छोड़ो भाई इसको दिल भी देने का मन नहीं करता ऐसे बंदों का भाई। शेडो गेमर का वीडियो भाई, इसको अगर इसने भाई तूने अगर सीरीज देखी है ना, तो कितने एपिसोड बाद, 14 एपिसोड बाद उसने रॉयल फैमिली ज्वाइन करी है, ना कि सीधा भाई पहले दिन तूने वीडियो देखी और ये बोल दिया छोड़ो भाई, वैसे मुंह नहीं लगता
से बंदों को शेडो गेमर की वीडियो देखते हो क्या? फर्स्ट कमेंट क्या बात है मेरे भाई। हाँ मैं देखता हूँ भाई, यहाँ पे बंदों ने कमेंट भी आपसी में कर रखा है। चलो बढ़िया बढ़िया मेरे भाई, सारे भाई देखो सब यूट्यूबर्स की वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। जेल सिक्योरिटी ओके मेरे भाई। यार अशोक कुमार भाई की काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है, ये AZ रियल सिक्योरिटी वाली कौन सी है ये मैं आज चेक करते हैं। ब्रो आवाज कैसी आ रही है बैकग्राउंड से? यार वो थोड़ी फैन की आवाज आती है, वो कर लिया हमने शायद ठीक इस वाली वीडियो में, आप देख लेना बता देना। चीटे डाउनलोड कैसे रही? चीटे आप स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हो, एपिक वगैरह से भी डाउनलोड कर सकते हो, काफी खतरनाक खतरनाक चीजें मिलती है वहां पे। एन हारिस व्हेन यू गेट इट्स ओके भारत क्या बात है। एनएसजी सिक्योरिटी ओपी क्या बात है। थैंक यू मेरे भाई भाई। AI सिक्योरिटी हमने बुक कर दी आज, काफी ज्यादा मजा आने वाला है भाई। ये घर ले लो ओके ब्रो, ले लिया था शायद हमने वाला घर, ये पिछली की में ले लिया ओके मैंने भाई ले लिया, शायद हमने वो वाले घर ले लिया था, उसकी वीडियो है भाई। टेक्नो वियान के वर्ड में उसके साथ खेलो, बहुत ज़्यादा तमड़ी सिक्योरिटी है। ओके ब्रो क्या बात है, काफ़ी जल्दी खेलेंगे मेरे भाई। सब्सक्राइब कर दिया है मैंने, क्या बात है, थैंक यू सो मच यूजर बाजी, थैंक यू, क्या बात है क्या बात है। गेम का नाम क्या है? गेम का नाम है GTA 5 मेरे भाई। चलो भाई साहब आज इतने भाइयों को रिप्लाई दे रहे हैं, बाकियों को मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो ठीक है गाइस, फिर आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं। थैंक यू सो मच आप सब लोगों के लवली लवली क्लिक कमेंट करने के लिए, और थैंक यू सो मच ऐसे ही करते रहो कमेंट्स, और ऐसे मोटिवेशन मिलती रहेगी हमें। थैंक यू सो मच, और काफ़ी जल्दी आपको नई वीडियो में मिलते हैं #20 में, जिसमें होगी AI सिक्योरिटी मॉडिफाइड होके आएगी लिबर्टी सिटी से, काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा वीडियो को। जब तक ले बाय बाय, सी यू लेटर, चंगा फिर अगली गिड़ी।